जनपद कानपुर देहात पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी उनके मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर तंज कसा। यही नहीं, समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव की घर की पार्टी बताया। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जनपद कानपुर देहात के एक दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने जनपद कानपुर देहात के सिकंदरा तहसील क्षेत्र के रमऊ गांव में अमृत सरोवर देहाती मार्ट, ओपन जिम सेंटर और योगा पार्क का शुभारंभ करने पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जहां अपने ओपन जिम पार्क में कसरत करते दिखाई दिए, वहीं दूसरी ओर उन्होंने देहाती मार्ट की महिलाओं से उनके चने खरीदे, बुकनू का स्वाद चखा। कानपुर देहात आगमन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जिले की जिला अधिकारी नेहा जैन और एसपी सुनीति ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद पर अखिलेश यादव के फिर से चुने जाने पर तंज कसते हुए कहा, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के घर की पार्टी है। पद में आज रमऊ गांव सभा के अंदर यहाँ चौपाल का कार्यक्रम, कई परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम, अमृत सरोवर के निरीक्षण का कार्यक्रम और आज का दिन जो वृद्धजनों का दिन माना जाता है, इस नाते भी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का एक सेवा पखवाड़ा मनाया गया था, उसमें आज का दिन वृक्षारोपण के लिए समर्पित किया गया था और कल 2 अक्टूबर को यह सेवा पखवाड़ा पूर्ण होगा। तो उसी के क्रम में निरीक्षण भी हुआ, हरिशंकरी मतलब तीन वृक्षों का एक समूह जो स्थापित किया जाता है वो स्थापित किया गया और एक अच्छा ये प्रयास है और इस प्रयास से केवल गांव का विकास ही नहीं होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल संरक्षण के प्रति अपना कर्तव्य भी ध्यान में आएगा। और यहाँ बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे चित्र भी बनाया है जिनके कारण से हमारा देश आज़ाद हुआ है। ऐसे आज़ादी के जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके सबके चित्र को रखा है और अमृत सरोवर आज़ादी के अमृतकाल पर ये पूरे देश में तो बनाए ही जा रहे हैं हर लोकसभा में 75, लेकिन यहाँ पर भी यह सरोवर बनाया गया है। मैं इसके लिए सबको बधाई देता हूँ और गाँव वासियों से अपील करता हूँ, सरोवर को मतलब जैसे अपने फ्रिज में रखा हुआ पानी है उसको सुरक्षित रखते हैं, वैसे पानी भी सुरक्षित रखें, इसको साफ सुथरा भी रखें और जो वृक्ष स्थापित किए गए इनकी रक्षा भी करें।